चलिए आज का बड़ा ही अहम है, मेरी कोशिश होगी जो जरूरी हुई चीजें आज वो हम कवर करने ताकि आपको पता चल जाए कि बेसिकली चीजें वर्क कर सके। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ टू सर्व एचटीएमएल पेजेस फ्रॉम योर सर्वर। अभी तक हमने क्या देखा था कि हमने सिर्फ एक सर्वर बनाया था, किसकी मदद से, एक्सप्रेस की मदद से, और कुछ भी नहीं किया, और एक छोटा सा कोड लिखा था ऐप डॉट यूज जो हमें डिप्लाई करता था। आज हम देखेंगे कि हम एचटीएमएल पेजेस किस तरह अपने सर्वर से वो कनेक्ट कर सकते हैं और डाटा के साथ या यूआरएल के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले की तरह मैंने फोल्डर बनाया जहां पे मैंने अपनी Node.js की एप्लीकेशन बनानी है। फिर मैं उस फोल्डर के अंदर जाऊंगा और इस फोल्डर में जाके मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा। ओपन हो गया। तीसरा स्टेप पहला क्या है Node.js की एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करने के लिए, सबसे पहले फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर के अंदर वहां कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, फिर हमने नोड की एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करवाना है। एक कमांड होती थी npm init। वालेकुम सलाम। अच्छा, जब मैं इसके आगे लिखूंगा ना डैश वाई, इसका मतलब होता है ये जो मुझसे स्वाइप आउट करेगा ना वो नहीं करेगा। मैं एंटर करता हूँ, ये देखें इसने फिलहाल में से स्वाइप आउट नहीं किया। जब आप डैश वाई लिखते हैं ना आप कहते हैं आप बाद में इस इंफॉर्मेशन को एडिट कर लेंगे, लेकिन जो इसकी जो फाइल है नेम वो कौन सी है, इंडेक्स, मतलब हमने उसका नाम इंडेक्स ही रखना है। अगर हम इधर देखें तो इधर एक फोल्डर भी क्रिएट हो गया, फाइल भी क्रिएट होगी होगी पैकेजेस डॉट जेसन के नाम से। अब मैं इधर अपनी मेन फाइल को क्रिएट करता हूँ इंडेक्स डॉट जेएस। अच्छा, Node.js की एप्लीकेशन आ रहे हैं तो सबसे अहम पैकेज है वो कौन सा हमें चाहिए, एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस को इंस्टॉल भी कर लेते हैं, npm install express। और इसी दौरान हम एक्सप्रेस को वो भी कर लेते हैं port const express required। का क्या मतलब है जी, कि हम एक्सप्रेस का जो कोड है ना उसको यहाँ इंपोर्ट करना चाहते हैं एक्सप्रेस। अच्छा जी, इसने दे दिया मुझे यार, देखते हैं जी क्या कह रहा है ये। npm install express to complete over the name is the which you can see। मे बी इंटरनेट में कोई इशू हो तो वो उसको पढ़ नहीं सका, इंस्टॉल हो गया। अच्छा, अगर हम देखें पैकेजेस डॉट जेसन की फाइल हमारी अभी एप्लीकेशन डिपेंड कर रही है सिर्फ और सिर्फ एक्सेस। अच्छा, ये उसका वर्जन नंबर लिखा हुआ है। वर्जन नंबर बहुत जरूरी होते हैं, जब आपकी एप्लीकेशन 10 साल पुरानी हो जाएगी जो आपके एप्लीकेशन के यूजर्स होंगे वो देखेंगे अच्छा इस बंदे ने नोड या एक्सप्रेस के पैकेज का फलाना वर्जन इस्तेमाल किया था। अच्छा, अब मैंने एक्सप्रेस के कोड को इंपोर्ट कर लिया। तीसरा शब्द क्या था, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ किस नाम का, ऐप, और ऐप को मैं एक्सप्रेस का जो फंक्शन मुझे रिटर्न हुआ उसको मैं इन्वोक कर देता हूँ। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाया था कि इस ऐप के अंदर क्या बात होता है। ऐप बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डिफरेंट फंक्शन मैथड्स, ऑब्जेक्ट के फंक्शन को मैथड बोलते हैं, डिफरेंट मैथड है उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सर्वर बनाने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल होता था, लिसन। ऐप के अंदर एक मेथड है लिसन,
app.listen, पहला पैरामीटर होता था पोर्ट नंबर 8080 कर लेते हैं, और दूसरा पैरामीटर होता था एक कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन ये जस्ट इसलिए होता था ताकि हमें कुछ लिखा हुआ नजर आ जाएगा जब ये फंक्शन खुद ही कॉल होगा कि सर्वर इज रनिंग, हमें पता चले सर्वर चल पड़ा, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8080। अच्छा ये एरर वाला क्यों दे रहा है, इसको बंद करना था, ये एक स्ट्रिंग होनी थी ना हमारी। चले चले ये बेसिक काम होता है हमारा सर्वर बना के, सर्वर हम बना चुके हैं, तो ये देखने के लिए कि सर्वर अब चल रहा है कि नहीं, हम अपनी फाइल को रन करते हैं नोड इंडेक्स डॉट जे एस, सर्वर इज रनिंग। अगर ये प्रिंट ना होता इसका मतलब कोई खराबी या हमने कोई कोड में गलती की हुई है। अब मैंने ब्राउजर के थ्रू इसको कैसे वो करना है, बल्कि ये पहले ओपन हुआ है। चलो कैन नॉट गेट, कैन नॉट गेट का मतलब होता है सर्वर को मैंने यहां से एक रिक्वेस्ट भेजी, ये कौन सी रिक्वेस्ट होती है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट। सर्वर को ये नहीं समझ लगी मैं इस रिक्वेस्ट का करूं क्या। पिछले लेक्चर में हमने एक फंक्शन यूज किया था एप डॉट यूज, जो कि हर बार चलता था जब भी सर्वर को रिक्वेस्ट आती थी। उस फंक्शन में अगर मैं लिख के देखू एप डॉट यूज, तो ये क्या करता था, कॉलबैक फंक्शन लेता था ना, एक कॉलबैक फंक्शन लिया, और इसके दो होते थे पैरामीटर, पहला कौन सा होता था, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अच्छा ये एप डॉट यूज का फंक्शन आगे जाके हम इसका काम पढ़ेंगे, अभी से कोई काम नहीं है, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए, ये हमेशा चलता जब पे रिक्वेस्ट आती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो लिखूँ, चलें और अपने फाइल को दोबारा रन करते हैं जी। मैंने बस हेलो लिखा कि मुझे ना आर एस रिस्पॉन्स सेंड का मतलब मुझे रिस्पॉन्स के तौर पर सेंड कर दो, ये स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर करें, मैं अपने URL पे अगर कुछ भी लिखूं मुझे यही वाला रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं यहाँ पे लिखूं होम पेज पे जा, मैं यहाँ पे लिखूं प्रोडक्ट्स के पेज में जा, मुझे एक ही रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि जब आप किसी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाएं, फर्ज करें जी OLX एक ई कॉमर्स स्टोर है। अब ये मैं कैटेगरीज में अगर जाता हूँ इसकी, लाइक ये मोबाइल फोन्स पे चल जाते हैं, अब देखें ये इसका URL olx.com.pk आ गया / आ गया मोबाइल फोन्स, मतलब के ये कौन सा पेज शो करेगा वो डिपेंड करता है URL का एड्रेस क्या है। ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है डिफरेंट URLs को, इसी तरह मतलब यहाँ पे / ले आके मैं कुछ और लिखूंगा, अगर वो इसका पेज होगा वो शो हो जाएगा। कहने का मतलब इन URL एड्रेस की बेसिस में सर्वर ये फैसला करता है कि मैंने कौन सा पेज एज अ रिस्पॉन्स फ्रंट एंड को भेजना है। तो ये देख लेते हैं कैसे करते हैं। अभी मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं जिसके जरिए मैं कह रहा हूँ जो भी रिक्वेस्ट है तुमने ये सेंड करना है, तुमने URL को देखना ही। अब हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं उसको कहते हैं राउट्स, कि अब किस राउट पे क्या रिक्वेस्ट आए तो तुमने कैसे रिस्पॉन्स करना है। राउट्स इसको मैं एक दफा कमेंट आउट कर देता हूँ। अच्छा जी राउट्स का मतलब होता है कि अगर हम किसी खास URL की तरफ जाएं तो उस URL के अगेंस्ट आपने हमें कौन सी रिक्वेस्ट सेंड कर। अगर मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूं, आपको पता है उसका होम पेज का एड्रेस क्या होता है। मैं ओपन करता हूं जी www.youtube.com, ये youtube.com है। अब देखें अगर मैं इसका जो URL है ये भी क्या ओपन हुआ है, होम पेज। अगर मैं इसके URL के आगे लिखूं
ये स्लैश फिर क्लिक करूं, फिर भी क्या ओपन हुआ, होम पेज। इसी तरह वो जमीन zameen.com है ना, उसके होम पेज पे एक दफा चलते हैं। ये देखिए ये zameen.com का होम पेज है। अब ये होम पेज का एड्रेस है, लेकिन अगर मैं इसके आगे स्लैश लिखूं और इंटर करूं, फिर भी ये हमारे होम पेज पे जा रहा है। इसका मतलब दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स होती है ना, जो उनका होम पेज का एड्रेस होता है वो होता है स्लैश। और क्योंकि ब्राउजर को पता है कि होम पेज का एड्रेस स्लैश है, इसलिए वो कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। और जो ये क्या होता है, डोमेन नेम, zameen.com डोमेन नेम है जो हमने लोकल होस्ट की जगह लिखना है। और जो पहला पेज होता है उसका एड्रेस होता है स्लैश। अब मैं अपने इधर आऊंगा Node.js की एप्लीकेशन में, क्योंकि मैं एक वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिसका अपना कोई होम पेज भी होगा, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि होम पेज का क्या एड्रेस होता है, स्लैश। Node.js में डिफरेंट routes को आप किस तरह डिफाइन करते हैं, हम उसका सिंटैक्स देखते हैं। हमने लिखना है ऐप। अच्छा, ब्राउजर से जब हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं GHTTP रिक्वेस्ट। ये दो किस्म की होती है, भला कौन कौन सी हमने पढ़ी, नहीं नहीं वो तो मेथड होते हैं, वो प्रोटोकॉल होते हैं कि एक होती है गेट, एक होती है पोस्ट। जब हमने HTML का फॉर्म बनाया था उसके अंदर दो एट्रीब्यूट थे, पहला था एक्शन के कौन से सर्वर का एड्रेस लिखते थे जाए, दूसरा उसके एट्रीब्यूट था मेथड। मेथड हम नहीं लिखते थे क्योंकि मेथड बाय डिफॉल्ट होता है गेट, लेकिन अगर आप मेथड के एट्रीब्यूट में गेट भी लिखते हैं तो ठीक है, वहां पे आप पोस्ट भी लिख सकते हैं। अभी हमने पोस्ट रिक्वेस्ट को डेमो करके नहीं देखा, लेकिन HTTP रिक्वेस्ट दो किस्म की होती है, गेट एंड पोस्ट। जब भी हम ब्राउजर से भेजते हैं ना वो हमेशा होती है गेट। तो आज हम गेट रिक्वेस्ट को देखते हैं किस तरह, क्योंकि ज्यादातर काम इसी का ही होता है ना कि डिफरेंट पेजेस को एक्सेस करना होता है। तो ऐप डॉट गेट ये एक मेथड होता है। ये क्या करता है, जब भी इसके पास कोई गेट रिक्वेस्ट आती है ना, ये चलता है ऐप। ऐप के अंदर एक मेथड होता है गेट, जो कि चेक करता है मेरे पास कोई गेट रिक्वेस्ट नहीं आई, और गेट रिक्वेस्ट में आने का तरीका था ब्राउजर में एंटर करके, वो जो हम लिखते हैं। अच्छा, ये लेता है दो पैरामीटर, पहला पैरामीटर होता है कौन सा एड्रेस और दूसरा होता है कॉल बैक। चूंकि अभी हम होम पेज का एड्रेस इसको बता रहे हैं, तो होम पेज का एड्रेस क्या है, स्लैश। ठीक हो गया, हमने हमेशा इसको इनवर्टेड कॉमास में लिखना है। आपने गौर किया होगा सिर्फ जो होते हैं ना वेरिएबल्स, वो हम इनवर्टेड कॉमास के बगैर लिखते हैं, बाकी हर चीज एज अ स्ट्रिंग लिखते हैं। और दूसरा पैरामीटर ले रहा है ये कॉल बैक, कॉल बैक लिखना आता है ना, ब्रैकेट्स एरो और ये बॉडी कॉल बैक। अब हर कॉल बैक को Node.js दो पैरामीटर देता है बाय डिफॉल्ट, कौन कौन से, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ओके, हो गया, यहां तक तो सिंटैक्स आपको क्लियर है। अब मैंने इसको अपने एप्लीकेशन को ये कहा, अगर मेरे ब्राउजर पे मेरी डोमेन नेम, मेरी इस वक्त जो डोमेन है वो कौन सी है, लोकल होस्ट, और जब आपको परचेज करके सर्वर पे कर लेंगे वो आपकी होगी। डोमेन नेम के बाद कोई ये एंटर करता है ना, अगर ब्राउजर पे ये एंटर करो या ना करो एक ही बात है, इसका मतलब वी आर गोइंग टू होम पेज। तो तुमने क्या करना है, फर्स्ट करें मैं कहता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड, फिलहाल अभी हम HTML पेजेस बाद में भेजेंगे, पहले हम अपने तीन चार वो बना लें routes। मैं लिखता हूं होम पेज, पहले इसको ट्राई करके देख लेते हैं इसने हमारी बात मानी कि नहीं मानी। अच्छा जी, इसको दोबारा चलाया, सर्वर चल पड़ा, ये आ गया लोकल होस्ट। अभी मैं प्रोडक्ट्स पे जाऊंगा, ये कह रहा है प्रोडक्ट नाम का कोई रोटी नहीं आपने डिफाइन किया, ठीक है ना। और अगर मैं जाऊंगा सिर्फ स्लैश पे विच इज अवर होम पेज, तो ये चेक करेगा, ये तो क्या करेगा, देखिए होम पेज आ गया ना, ये ऊपर से शुरू होगा फुल, यहाँ से लाइन बाय लाइन पढ़ता जाएगा, वो कहेगा मुझे गेट रिक्वेस्ट, यहाँ पे अच्छा एप डॉट गेट, इसका मतलब
गेट रिक्वेस्ट का ये फंक्शन है, फिर क्या मैं चेक कर लूं जिस ब्राउज़र में जिस एड्रेस पे मुझे भेजी गई है वो सेम है, वहां पे भी स्लैश था इधर भी स्लैश था, इसने कहा अच्छा ये सेम है, ये बाकी सारे काम छोड़ देगा और इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। और ये जो फंक्शन है एक दे रहा है कॉल बैक, मैंने कहा था फंक्शन को फंक्शन दे रहा पैरामीटर दे सकते हैं, ये कॉल बैक इसको इसलिए बोलते हैं ये खुद ब खुद कॉल होता है, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ये फंक्शन इसको कॉल करेगा। और इस फंक्शन के अंदर मैंने कुछ भी किया, ये दो पैरामीटर एक्सप्रेस में हमने बनाते दिए थे जो होता है ना आरएस रिस्पांस का पैरामीटर, वो इस्तेमाल होता है रिस्पांस वापस भेजने के लिए, तो इसे मैं करता हूं सेंड, मैंने बस ये स्ट्रिंग सेंड करी ताकि मुझे पता चल जाए कि होम पेज एग्जीक्यूट हो गया, मैंने उसका रूट ठीक लिख दिया। अब इसी तरह हमारे फर्ज करने जो हम वेबसाइट या छोटी सी एप्लीकेशन बना रहे हैं उसका एक हम कहते हैं कि हम एक मोबाइल फोन की शॉप बना रहे हैं फर्ज करें, तो उसमें एक होगा जी रूट होगा प्रोडक्ट्स, जिस पेज पे हमारे सारे के सारे मोबाइल फोन आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा एक पेज बड़ा एक जो रूट होता है बड़ा वो आम होता है कॉन्टैक्ट अस का, हर दुकान में होता है कॉन्टैक्ट चले। मैंने कितने बनाया रूट तीन, एक होम पेज का जो स्लैश होता है, दूसरा प्रोडक्ट्स का और तीसरा कॉन्टैक्ट का। इसको टेस्ट करके देख लेते हैं, सर्वर इज रनिंग, ओके हो गया। अभी मैं ये करूंगा तो मैं आगे स्लैश लगाऊंगा ना लगाऊ मैंने आपको बता दिया, ब्राउज़र समझता कि दिस इज द होम। अगर यहाँ पे मैं लिखूं वो क्या था प्रोडक्ट्स था ना प्रोडक्ट्स, तो अब इसने देखा कि देखें जो मैंने सेंड कर रहा हूँ, इसने देखा कि अच्छा स्लैश प्रोडक्ट है कि नहीं है, और अगर मैं कोई अब कॉन्टैक्ट को भी देख लेते हैं तो ये कॉन्टैक्ट का आ जाएगा, और अगर मैं कोई ऐसा एड्रेस लिखूं जो है ही नहीं तो ये क्या क्या कैन नॉट गेट, मुझे इस नाम का कोई रूट ही नहीं मिला, ये वाली एरर। अच्छा अक्सर जो सी इस किस्म की एरर होती है ना उसको डील करने का तरीका होता है एंड पे हम लिखते हैं, अच्छा तीन चीजें होगी। अब एज अ रिस्पॉन्स अभी मैं क्या सेंड कर रहा हूँ, अभी सेव सीन सेंड कर रहा हूँ, लेकिन जो असली वेब एप्लीकेशन होती है उसमें आपके यूजर पे क्या वापस आ रहा होता है, तो अब हम उस स्टेप की तरफ चलते कि हम एज अ रिस्पॉन्स जो हम फ्रंट एंड में एचटीएमएल पे पेजेस बना रहे थे वो कैसे सेंड कर सकते हैं। अच्छा ये जो आपकी Node.js की ऐप होती है ना इसमें हर बैक एंड के लिए आपको कोई ना कोई व्यू इंजन इस्तेमाल करना पड़ता है कि आप व्यू इंजन जो है ना जो पाइथन में काम करते हैं पीएचपी में काम करते हैं या रूबी ऑन रेल्स में काम करते हैं हर कोई अपने अपने व्यू इंजन इस्तेमाल करते हैं। व्यू का मतलब होता है जो चीज आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होती है, और हमने स्क्रीन पे क्या देखना है HTML पेजेस। अब हमने यहाँ पे जो व्यू इंजन इस्तेमाल करना है वो होता है EJS। ये क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, EJS अगर आप सर्च करें व्यू इंजन फॉर द Node.js आपको 10-12 व्यू इंजन मिल जाएंगे, उनमें से ये सबसे मुझे सबसे आसान लगता है और जो मैंने सीखा भी यही था, और इसको अभी आप फायदा देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट। इसका मतलब होता है जो आपके एचटीएमएल पेजेस होते हैं ना उसमें आप कौन सा कोड लिख सकते हैं, एचटीएमएल के पेजेस के अंदर आप एचटीएमएल का कोड लिखते हैं, लेकिन EJS की मदद से आप उसमें प्रोग्रामिंग का JS का कोड भी लिख सकते हैं। जो HTML होती है वो लॉजिक को डील नहीं करती, मतलब HTML में क्या वो होते हैं लूप्स होते हैं नहीं होते, वो होता है इफ एल्स नहीं होता,
लेकिन EJS इज अ व्यू इंजन जो कि हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपने HTML के पेजेस में लॉजिक को इस्तेमाल कर सकें। लॉजिक क्यों इस्तेमाल करना है, जब हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट होंगे ना, हमारे फर्ज कह रहे हैं मेरी दुकान पे 500 मोबाइल फोन्स है, अब मैं 500 मोबाइल फोन के 500 डिब नहीं बनाऊंगा, मैं एक लॉजिक लिखूंगा कि जब तक डेटाबेस में मोबाइल फोन का डाटा आ रहा है मैं लगा दूंगा लूप तुमने डिब्स बनाते जाने। तो ये जो हमें कैपेबिलिटी है वो EJS का व्यू इंजन प्रोवाइड करता है। JS का मतलब जावास्क्रिप्ट को हमने अंडर डाल दिया अपने HTML के पेजेस के। अच्छा, और दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड इट इज एंड इजी टू यूज। तीन चार है हैंडल बार, लेकिन उसका सिंटैक्स समझना भी मुश्किल है और समझाना भी, लेकिन इसका सिंटैक्स बिल्कुल HTML और JS की तरह है, एक दो तब्दीलियों के बाद। अच्छा, अब जो है ना EJS, जिस तरह हम हर पैकेज को इंस्टॉल करते थे, ये देखें npm install EJS, जो चीज हमने यूज करनी है पहले उसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, फिलहाल अभी हमारा कोड ये है, अभी हमारा सेकंड स्टेप होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्यू इंजन। हमने अपनी Node.js की एप्लीकेशन को बताना है हम कौन सा व्यू इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक फंक्शन होता है जी ऐप डॉट यूज व्यू इंजन, और जी वो हमने बताना है जी EJS ऐप डॉट यूज। देखें पहले ऐप डॉट यूज हमने ये वाला इस्तेमाल किया था, मैंने क्या कहा था ऐप डॉट यूज का फंक्शन हमेशा चलता है, कब चलता है जब सर्वर को कोई रिक्वेस्ट आती है। इस लाइन से आपको क्या पता चल रहा है ये कौन सा फंक्शन है, ऐप डॉट यूज का ही फंक्शन है। इसका मतलब जब भी हमें रिक्वेस्ट आएगी हम आगे उसको कहेंगे भाई हम EJS इस्तेमाल कर रहे हैं, EJS के मुताबिक तुम्हें हमें वो करना है। इधर ऐप डॉट यूज किया था आप लोगों को एक लर्निंग पर्पस, लेकिन यहाँ पे उसका एक प्रैक्टिकल यूज आ गया कि इसके जरिए हम बताते हैं। ओके हो गया। अच्छा, अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, npm IEJS। ये नहीं, ये देखें इधर EJS भी आ गया, इसका मतलब जो कुछ हम कर रहे हैं वो इधर आता जा रहा है। अच्छा, अब Node.js में ये असूल होता है जो आपकी HTML फाइल होती है ना वो एक खास फोल्डर में बंद होती है, और उस फोल्डर का क्या नाम होता है व्यूज। जो ये है ना एक्सप्रेस, ये एक फ्रेमवर्क है, और फ्रेमवर्क की बड़ा क्या खासियत होती है वो हमें एक ना बनी बनाई चीज दे देता है, वो कहता है तुमने हर काम ऐसे करना है, अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तुम्हारा काम मैं गलत कर दूंगा। फ्रेमवर्क का फायदा यही होता है। तो हमारा जो एक्सट्रैक्ट का फ्रेमवर्क है वो हमें बताता है कि आपने जितनी भी फाइल रखनी है HTML की वो किसके अंदर रखनी है, फोल्डर के अंदर, उस फोल्डर का क्या नाम होगा व्यूज। तो मैं अपने इधर आता हूँ जी, यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ व्यूज। अब इस व्यूज के अंदर हम अपनी HTML की फाइल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना होम पेज बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे अपना एक पेज बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ होम। अच्छा, ये मैं HTML का पेज बना रहा हूँ, इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे EJS होगी, क्योंकि अब हम EJS इस्तेमाल कर रहे हैं जो कुछ भी नहीं, जो एक HTML का पेज ही है, लेकिन EJS हमें ये खुशियाँ देता है, HTML के मार्कअप के अंदर जावास्क्रिप्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखें अगर मैं यहाँ पे वही काम करूँ जो होता था इधर भी, EJS वाली फाइल के अंदर भी हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी होम पेज ही लिख लेते हैं, होम पेज यहाँ पे लिखते हैं जी H1 होम पेज। चले, मैंने अब तक क्या किया, मैंने सिर्फ एक फोल्डर बनाया है, यहाँ पे भी दिखा, ये देखें कौन सा फोल्डर बनाया व्यूज, और व्यूज ने मेरी फाइल बनाई है home.ejs। अब आप कहेंगे एक्सप्रेस को कैसे पता चला कि मेरी तमाम की तमाम HTML फाइल व्यूज के अंदर है, क्योंकि HTML एक फ्रेमवर्क है,
एचटीएमएल की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे। फ्रेमवर्क का ये फायदा होता है, एक ऐसी बनी बनाई बिल्डिंग होती है जिसका ढांचा हमें मिल जाता है, उस बिल्डिंग को हमने सिर्फ फिल करना होता है। फ्रेमवर्क कहता है कि आपने फलानी चीज यहाँ रखनी है, फलानी यहाँ रखनी है। तो ये एक्सप्रेस ने हमें बताया कि आपने अपना तमाम जो फाइल है व्यूज के फोल्डर के अंदर रखी। और आपने एक लफ्ज पढ़ा होगा एमवीसी, ये पढ़ा होगा वेबसाइट वेब एप्लीकेशन बनाने का एक फ्रेमवर्क होता है जो बहुत मतलब इससे हमारे कोड की मेंटेनेबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी, हर चीज बड़ी अच्छी तरह कंट्रोल होती है। ये होता है मॉडल, ये होता है व्यू, ये होता है कंट्रोलर। इसका मतलब जो आपका मॉडल है ना डेटाबेस का डाटा वो लैदा पढ़ाओ, व्यू जो आपके पेजेस हैं वो लैदा पढ़ाओ, कंट्रोलर जो आपके रूट्स हैं वो लैदा पढ़े। अब आपके जो व्यूज हैं वो पेजेस हैं वो अलहदा हमने कहाँ रख दिए, व्यूज के फोल्डर। तो ये इस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट किया जाता है डिफरेंट सर्वर्स में डिफरेंट तरीके से। पाइथन इसको किसी होता है इम्प्लीमेंट करता है, नोड जीएस इस एमवीसी को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है। अच्छा व्यूज के अंदर मैंने रख दिया जी। अच्छा अब मैं चाहता हूँ जब मैं अपने होम पेज पे जाऊं, अभी होम पेज पे फिलहाल मैं वापस आ गया ये स्क्रीन, जब मैं अपने होम पेज पे जाऊं अब मैं इस बार होम का जो वेब पेज है वो इसको भेजू, तो वो देखते हैं वो कैसे होता है। जब मैंने भेजना हो रिस्पॉन्स तो इतना तो मुझे पता है मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करना है, रिस्पॉन्स आर ई एस। अब इसका एक फंक्शन होता है रेंडर, रेंडर का क्या मतलब होता है सर्व कर दो, रेंडरिंग आपने पढ़ा होगा, वो था सेंड, जो सेंड करता था रेंडर पेज को रेंडर करता है। तो पेज का क्या नाम है होम डॉट ई जी एस, डॉट ई जी एस लिख लें या ना लिखे आप राज में, तो मैंने लिखता इसको ठीक हो गया। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ठीक हो गया। हमने बस ये बताना है कि हम कौन सा इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक्सप्रेस को खुद ही पता है। हमने एक्सप्रेस ने हमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन में बताया कि मैं ये फर्ज करूंगा कि आपने व्यूज का फोल्डर बनाया और उसी के अंदर मैं देखूंगा कि आपने पेज रखे हैं कि नहीं। हाँ वो कुछ कुछ क्योंकि दिस इज द फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का फायदा है, फ्रेमवर्क हमें बताता है हमने क्या करना है, हम उसको नहीं बताते। चले अच्छा जी ये क्या कह रहा है जी, रिक्वायर सम मिडल फ्रैक्शन बट गोट अ स्ट्रिंग, अरे मैं जरा चेक कर लूं। ओ सॉरी ये है ऐप डॉट सेट का फंक्शन, मैंने ऐप डॉट यूज यूज किया है। जब हमने उसको बताना होता है ना कि हम ईजीएस यूज कौन सा व्यू इंजन इस्तेमाल करना है। चले अब सर्वर हमारा चल पड़ा, अभी अभी मैं होम पेज पे जाऊंगा तो मुझे वो होम पेज वाला होम रोड पे जाऊंगा होना चाहिए। ये क्यों मुझे नजर आया, देखें होम रोड पे अब मैं एचटीएमएल का पेज रेंडर कर रहा हूँ। अब वही बात जो हमने बूटस्ट्रैप में बड़े बड़े पेजेस बनाए थे, अब आपको समझ लगी है कि किस यूआरएल में जाए कौन सा पेज रेंडर हो गया। ठीक हो गया, दो पेजेस और बना लेते हैं, एक कॉन्टेक्ट का है ना, कॉन्टेक्ट डॉट ईजेएस, चले और एक प्रोडक्ट्स का, सॉरी
चलो अब ये चेक भी कर लेते हैं रेंडरिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही। ये मैं होम पे जाऊंगा तो यही आना चाहिए, प्रोडक्ट्स पे चले जाते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स आ गया, वो ठीक नहीं हो रहा। और कॉन्टैक्ट पे जाऊं तो इसका मतलब डिफरेंट यूआरएल जो भी हमने देखा था हर वेबसाइट में हर यूआरएल के लिए एक अलहदा से व्यू आता है या सर्वर एक अलहदा से पेज सर्व करता है, और वो सर्व कहाँ से करता है, व्यूज के फोल्डर के अंदर। ये देखिए हाँ जी ठीक सही पहुंचे हैं वो, ये फिर ये जो स्ट्रिंग ही वापस कर रहा है, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे रेंडर लगा देता हूँ, पेज का क्या नाम था, प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे भी रेंडर। हाँ जी डार्क में कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा अभी फिलहाल, मेरा तो ख्याल है वो ये ठीक है क्या होगा फ़ॉन्ट के साथ, ये कोडिंग के लिए बड़ा तंग पड़ा होता है। अच्छा अच्छा दोबारा से देख लेते हैं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए पहले ये कॉन्ट्रैक्टर से आया था, अब वो रेंडर कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट भेज रहा है। तो ये हमने सीख लिया कि एचटीएमएल के पेजेस किस तरह हम डिफरेंट यूआरएल से वो रेंडर करवाते हैं। अब अगले स्टेप में चलते हैं जी। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत आ सकती है सर्वर को, नहीं हमें आ सकती है, जब हमने नोड जीएस की फाइल को रन करना होता हम लिखते हैं नोड स्पेस इंडेक्स डॉट जीएस, लेकिन हो सकता है कि मैं इस फाइल को, मैं एक फोल्डर बाहर आता हूँ सी डी डॉट डैश डैश, अब देखें ये फोल्डर है ना, मैं इसे बाहर आ जाऊँगा। अभी मैं कौन सा फोल्डर में क्लास नोड V1, अगर मैंने इधर से इस फाइल को रन करना है मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा नोड फोल्डर का क्या नाम है एक्सप्रेस टेम्पलेट्स, क्लास का मतलब है जी अच्छा मैं कह रहा हूँ कि इस फोल्डर के अंदर जाओ और यहाँ पे एक फाइल पड़ी है, फाइल का क्या नाम है index.js। तो असूलन ये कमांड बिल्कुल ठीक है, हाँ मैंने लिखा नोड, क्योंकि मैं उस फोल्डर से बाहर हूँ तो मैंने कहा इस फोल्डर के अंदर जब वहाँ की उसके अंदर फाइल पड़ी है index.js, तो मैं जब इसको चलाऊंगा तो सर्वर चल पड़ा। लेकिन एक मसला आता है, मसला ये आता है अभी मेरा सर्वर चल रहा है ना, अगर मैं जाऊँ होम पेज पे मसला ये आ गया अब ये फेल टू लुक अप व्यू, मैंने कहा था एक्सप्रेस को पता है आपके एचटीएमएल पेजेस पड़े हैं व्यूज के फोल्डर के अंदर, लेकिन इस बार उसको व्यू का फोल्डर नहीं मिलता। वो ये सबूत करता है कि जो ये चीज है जो सर्वर है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बार दफा जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो ना, अब बार से रन कर रहे हो तो आपके लिए एरर क्यों आ रही है, तो वो ये सबूत करता है कि व्यूज का फोल्डर उसी जगह पड़ा जहां से आपने नोड की कमांड को रन किया। तो इस चीज से बचने के लिए एक एक्स्ट्रा होती है इंस्ट्रक्शन, वो देख लेते हैं वो इंस्ट्रक्शन क्या होती है। सबसे पहले आपने एक ना नोड का मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, उसका नाम है पाथ, और इसको आपको अंदर इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली नोड में ये इंस्टॉल होता है। आपने पाथ को इंपोर्ट किया तो आप यहाँ पे आएंगे app.set
दोबारा यही यूज करेंगे तो आप इसको बताएंगे कि जो आपका है ना व्यूज वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। व्यूज पड़ा है जी पाथ डॉट ज्वाइन। जो पाथ डॉट ज्वाइन ज्वाइन है ना दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर डी आई आर एन एम, मतलब के डायरेक्टरी नेम, मतलब जिस डायरेक्टरी में आपकी ये फाइल पड़ी है ना इंडेक्स की उसी के अंदर तुमने सर्च करना है उसका फोल्डर। अगर आप उसको बाहर से भी रन करेंगे ना तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होगा। और दूसरा ये लेता है जी स्लैश व्यूज। चलो ये आप इंस्ट्रक्शन लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बार दफा कुछ बच्चे अगर बाहर से उसको रन करेंगे ना तो उनको ये मसला आएगा कि एक्सप्रेस को पता नहीं चलेगा हम उसका हल्का निकाला हमने जो उसको कर जितना पार्ट है ना वो हमेशा होगा जिस डायरेक्टरी में वो फाइल पड़ी है ना उसी में तुमने जाके देखना है कि वो पड़ा है व्यूज का फोल्डर, क्योंकि जो इंडेक्स की फाइल है जहाँ पड़ी थी व्यूज का फोल्डर उधर पड़ा। अच्छा अगर हम इसको बाहर से आप रन करके देखें चले जो ये है ना ये करने की जरूरत नहीं, लेकिन बताना भैया कि पाथ क्या होता है और ओके हो गया। तो ये इंस्ट्रक्शन मैं आपको दूंगा ना आपको पता होना चाहिए ये इंस्ट्रक्शन हम आपके कोड में लिखी हुई है इसका मकसद क्या है। चलिए अब हमने HTML के पेजेस भी बना लिए उनको रेंडर करना भी सीख लिया। अब हम सीखते हैं CSS को हमने किस तरह अप्लाई करना है। जब हम सिर्फ सर्वर के बगैर कोडिंग करते थे तब कैसे अप्लाई करते थे उसको लिंक कर देते थे, इधर भी ऐसे ही करना है। लेकिन एक्सप्रेस हमें बताता है कि आपका जो ये होते हैं ना इनको बोलते हैं स्टैटिक एसेट्स, इसमें इमेजेस जेएस की फाइल सीएसएस की फाइल वो एक फोल्डर में पड़ी होगी उस फोल्डर का नाम होगा पब्लिक। ये भी हमें एक्सप्रेस ने बताया। जिस तरह एक्सप्रेस ने बताया कि आपकी एचटीएमएल फाइल पड़ी होगी व्यूज में, इसी तरह वो कहता है आपकी जितनी भी सीएसएस की फाइल पड़ी होगी वो एक फोल्डर में पड़ी होगी उसका नाम होता है पब्लिक। ठीक हो गया। तो ये हमारे स्टैटिक एसेट्स हैं। अच्छा ये देखें लिखा हुआ स्टैटिक एसेट, इससे क्या मुराद होता है? एनीथिंग विच इज सीएसएस जावास्क्रिप्ट, आपकी ऑडियो फाइल्स आपकी वीडियो फाइल्स आपकी इमेजेस वो कहां पे पड़ी होंगी? ऐप डॉट यूज, ये वो फंक्शन होता है जो हमेशा चलता है। फिर इसके अंदर हम एक और फंक्शन लिखते हैं एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, ये होता है ये एक्सप्रेस को बताता है कि आपके स्टैटिक एसेट कहाँ पड़े हुए हैं। स्टैटिक का मतलब वेयर आर माय स्टैटिक एसेट, और ये पाथ डॉट ज्वाइन इधर कोई किया हुआ जो यहाँ पे किया था ताकि अगर बाद में होते हैं वो कहाँ पड़े हुए पब्लिक के फोल्डर के अंदर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ये देखें एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक वेयर आर माय स्टैटिक एसेट्स, अंदर मैं क्या लिखा पब्लिक, जैसे मैंने यहां पे क्या लिखा था लीव इट क्या ईजीएस, यहां पे मैंने लिखा कि मेरे स्टैटिक एसेट कहां पड़े पब्लिक के फोल्डर में, और जो ये नीचे ये यूआई मैंने फंका दी वो इसलिए यूआई जो मैंने आपको बताया था कि मसला आ सकता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा सीधा, और अगर आप चाहते हैं अगर आप फाइल को बाहर से रन उसको पता चल गया पब्लिक फोल्डर ना पड़ा तो आपको पाथ डॉट ज्वाइन अंडरस्कोर को डालने की इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके हो गया। तो मैं इस ऊपर वाले को कमेंट आउट कर देता हूं। अच्छा तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। फोल्डर क्या नाम रखूंगा मैं पब्लिक। अच्छा पब्लिक के अंदर मैं दो फोल्डर और क्रिएट कर लेता हूं। पहले का नाम रखता हूं जी सीएसएस जितने मर्जी बनाए, दूसरे का नाम रखता हूँ जेएस लाइक जो आपके है ना व्यूज, व्यूज के अंदर आप जितने मर्जी फोल्डर बनाए फिर आप वो पूरा पाथ देंगे उधर जाके रेंडर के कमांड के अंदर। अच्छा अच्छा ये मेरा होम पेज है,
कस्टम सीएसएस। अब मैंने होम पेज पे अपनी सीएसएस को अप्लाई करना है, कौन सा टैग इस्तेमाल करूं? लिंक, ठीक हो गया, मैंने लिंक का टैग इस्तेमाल किया। एचआरईएफ के अंदर मैंने अपनी सीएसएस की फाइल का एड्रेस लिखना है, जो एक्सप्रेस है वो मेरे स्टैटिक एसेट कौन से फोल्डर में देखी है, पब्लिक के अंदर, तो मैं इसका एड्रेस क्या लिखूं इधर? नहीं ऐसे नहीं होगा, ये एक्सप्रेस को पता है जहां पे उसको आ गया ना नजर, आपने अपने ईजीएस की फाइल के अंदर कोई फाइल लिंक की हुई है सीएसएस की, वो एकदम से सोच लेगा अच्छा मैंने डेट कहाँ जाना है, पब्लिक के फोल्डर के अंदर। मैं आपको एक्सप्रेस का तरीका बता रहा हूँ, पब्लिक के अंदर चले गए, उसके अंदर फिर कौन सा फोल्डर पड़ा है, डॉट सी एस एस, और इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस। तो सी एस एस का फोल्डर कहाँ पे है जी, इसके अंदर मैं फाइल बनाता हूँ स्टाइल्स डॉट सी एस एस, ठीक है। फर्ज करें मैं होम पेज को देता हूँ जी ये क्लास, अच्छा होम पेज को क्लास देते हैं, इसको क्या नाम दे, होम हेडिंग ये नाम दे देते, चले इसको मैंने कॉपी किया, अपनी सी एस एस की फाइल पे आया, इसको सिलेक्ट किया, फर्स्ट करें इसका कलर बदल देते हैं, कलर ग्रीन, और इधर आते हैं जी। अच्छा मैंने बता दिया मेरे एसेट्स कहाँ पड़े हैं, पब्लिक में, और मैं अपने होम की फाइल पे गया, मैंने वहां पे उसको लिंक किया सीएसएस की फाइल के साथ, उसको एड्रेस क्या दिया, मैंने एड्रेस में पब्लिक का फोल्डर का नाम भी लिखा, क्योंकि एक्सप्रेस पहले जानती है कि अगर मैं ईजीएस के अंदर से किसी भी फाइल को ढूंढना चाहूंगा वो पब्लिक के अंदर होगी, तो पब्लिक से आगे जितना भी पाथ है वो मैंने दे दिया। मैं इधर आता हूँ, चलिए जरा इसको सही पाथ पे ले आते हैं, चलिए सर्वर चल पड़ा और ये मेरा होम पेज है। ये दोबारा से देख लें, अब हमने सीखा कि हम अपनी सी एस एस की फाइल को कनेक्ट कैसे करते हैं अपनी ई जी एस की फाइल के लिए, तो कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा क्या स्टेप है इसके, कि हमने अपनी सी एस एस की फाइल को अपनी आप कहेंगे हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे पब्लिक, और अपनी एप्लीकेशन को बताएंगे कि जो मेरी एप्लीकेशन है ये देखें स्टैटिक मेरे एसेट्स हैं वो कहाँ पे पड़े हैं, पब्लिक फोल्डर के अंदर। अगर हम ये इसको बताएंगे नहीं ये ढूंढ ही नहीं सकेगा, मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, अगर आप अपनी इसको रन करूँ एरर तो नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, वो सी एस एस का स्टाइल ही नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा। तो ये बताने के लिए सी एस एस की फाइल कहाँ पड़ी है मुझे उसको बताना भी पड़ेगा, एक्सप्रेस को पता भी है लेकिन कह रहा मुझे लिख के बताओ, ये फ्रेमवर्क है ना, कलर अभी वो था ना ब्लैक था ना, तो दोबारा ऐसे करना चले। अच्छा हमने HTML फाइल्स को रेंडर करना सीखा, हमने CSS की फाइल को, अब हम जो है बूटस्ट्रैप उसको कैसे अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना वो भी देखते हैं। अच्छा जी बूटस्ट्रैप के इधर आए आप, हाँ जी वही करना, ये मैं बूस्ट ऐप के होम पेज पे गया, अभी जा रहा हूँ तो उधर डाउनलोड पे गया। अच्छा आज से पहले बूस्ट ऐप को आप किस तरह इंक्लूड करते थे, उसका जो होता था CDN का लिंक आप जस्ट HREF के अंदर कॉपी कर देते थे, लेकिन मैंने कहा था वो टेक्निक अच्छी नहीं क्योंकि हो सकता है बूस्ट ऐप में सर्वर का एड्रेस बदल दे या आपकी ऑनलाइन फाइल इंटरनेट खराब है कनेक्ट ना हो सके, तो आप बूस्ट ऐप की फाइल्स को डाउनलोड करेंगे और उसको रख देंगे अपने उधर नोड जीएस के उधर, तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ।
हाँ जी, इसके अंदर जीएस की भी है, सीएसएस की भी है। अच्छा, ये इसको मैंने पहले से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ये एक्सट्रैक्ट करके ये आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सीएसएस का फोल्डर खोलता हूँ, ये बूस्ट ऐप का सीएसएस का फोल्डर है, तो इसमें एक फाइल पड़ी होगी ये वाली bootstrap.min। min का मतलब होता है कोड के अंदर जितनी भी स्पेसिस है ना, आपका कोड पढ़ेंगे स्पेसिस में से हटी होंगी, ताकि कोड वाला एफिशिएंट हो जाए, उसका साइज छोटा हो जाए। तो इस फाइल को मैं कॉपी करता हूँ। इस फाइल को मैंने कहाँ पे पेस्ट करना है, बोला पब्लिक, पब्लिक के अंदर सीएसएस, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। पहला स्टेप मुकम्मल, bootstrap की सीएसएस। आप CDN यूज करते हो नहीं पर हो, लेकिन अगर आपने आप अपने प्लान का बैठा है वो क्या CDN पर चला, से एक साल बाद उस टाइम पे बजे बता कोई उसने URL का लिंक नहीं ABC कर दी, उसकी वो ब्रेक हो जाएगी सारी जो आपको फोन करे, तो पता काम नहीं होता कि आप फाइल उठा ले, ये फाइल कभी नहीं कहीं कहीं जाएगी सर, ये सारी मैं फाइल कॉपी करके पूरा आपका फाइल, आपने इससे आपके सर्वर की कॉस्ट बढ़ेगी, आप जो डाटा भेजेंगे वो जो इंटरनेट यूज करेगा उसके MB ज्यादा जाया होंगे। हमने अपनी एप्लीकेशन ऐसे बनाई है साइज उसका मिनिमाइज हो, वो एफिशिएंट हो, तो जिस फाइल की हमें जरूरत है वही चाहिए। अच्छा, और दूसरी फाइल होती है JS की, यहाँ पे होगा मिन का होगा फाइल, ये bootstrap.min, इसको कॉपी किया, इस फोल्डर को बंद कर देते हैं, और मैं इधर आता हूँ। JS का फोल्डर मैंने बनाया था ना, अच्छा मैंने फोल्डर बनाया क्यों बनाया, ताकि हर चीज मुझे अब अलग अलग मिल जाए, मुझे पता होगा CSS की फाइलें कहाँ पड़ी है, JS की फाइलें कहाँ पड़ी है, दो चीजें। अब मैं चाहता हूं मैं अपने होम पेज पे bootstrap को क्या कर लूं, यूज कर लूं, तो इसको मैं मुझे पोजीशन बताया bootstrap को किस पोजीशन पे इसका लिंक मुझे देना चाहिए, लाइन नंबर पे है मेरा लाइन नंबर 40% पे है, अच्छा 7 क्या है, 7 के बाद करते हैं, 9 के बाद, 9 के बाद सर, 7 के बाद, 9 के बाद, आप क्या कहते हैं CSS की फाइल मुझे 7 के बाद में चाहिए कि 9 के बाद, तो इसकी वजह वजह वाला क्या है, हम जो ये होते हैं ना वेब पेज जिसको खोलते हैं उसको ऊपर से नीचे पड़ता है, हमने जब bootstrap में अच्छा CSS की फाइल डाल दी, अगर मैंने उसकी किसी फाइल को किसी स्टाइल को ओवरराइड कर दिया, मैंने कहा था कलर लगा दो, तो हमें उसके नीचे अपनी सीएसएस की फाइल रखनी पड़ेगी, ताकि पहले bootstrap की फाइल वो एग्जीक्यूट फिर हमारे फाइल एग्जीक्यूट, तो हमने उनके स्टाइल को ओवरराइड करने के लिए हमेशा अपने स्टाइल एंड पे रखे। तो मैं 7 के बाद रखता हूँ, यहाँ पे कमेंट देता हूँ bootstrap CSS, ताकि पता चल जाए कि bootstrap की फाइल यहाँ पे लिंक करने जा रहा है। इसी तरह लिंक का टैग लगाया HREF के अंदर, वो किसके अंदर ढूंढेगा, पब्लिक के अंदर, पब्लिक के अंदर नाम है CSS, CSS के अंदर कौन सी फाइल है, मैं उसके नाम को कॉपी कर लेता हूँ, अब इसने स्पेलिंग कौन लिखे, और इसकी एक्सटेंशन है .css। ठीक है, अब ये देखने के लिए ये चली है कि नहीं चली, तो मैं आता हूँ। अच्छा, अब देखें इसका फॉन्ट कैसा है, रिफ्रेश करूंगा, इसका मतलब फोन बच गया bootstrap है। अच्छा, मैंने अपना सर्वर रिस्टार्ट भी किया, आपने गौर किया, ये पहले मुझे भी नहीं पता था, जब HTML की फाइल को आप बदलते हैं तब आपको सर्वर को रिस्टार्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन जब आप अपनी JS की फाइल का कोड बदलते हैं ना, तब आपको सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ता, तब वो चेंजेस कंप्लीट करते। एक दफा मैं कर रहा था धुके से वो होगी, मैंने कहा मैं तो रिस्टार्ट नहीं किया, मैंने बार बार जाके उसको रिस्टार्ट करो। अच्छा, और JS की फाइल इंक्लूड कर लेते हैं इधर, JS की फाइल हमेशा बारी से पहले, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ bootstrap JS, JS की फाइल डालने के लिए कौन सा टैग यूज होता है, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर सोर्स, सोर्स ये पब्लिक के अंदर देखेगा, तो .js bootstrap in.js, ओके हो गया, यहाँ तक किसी को, और जो हमारे JS की फाइल है उसके नीचे है, ताकि हम bootstrap की JS को भी ओवरराइड कर सकें।
अच्छा कॉन्टैक्ट के पेज में भी ये बूटस्ट्रैप कर दूं मैं, और प्रोडक्ट्स के पेज में भी कर दूं। चलिए यहाँ पे क्लियर है। आज तो इतनी मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, सीधी सीधी चीजें। अच्छा अब अगला स्टेप कौन सा चलते हैं? अच्छा जी, अच्छा अब ईजीएस का फायदा, ईजीएस हमने क्यों इस्तेमाल की वो देख लेते हैं। बहुत अहम है। फर्ज करें कि मेरे पास डाटा पड़ा है, मैं ऐसा करता हूँ इस फाइल को कॉपी करता हूँ। मैं उधर ही बना लेता हूँ, मैं एक यहाँ पे फाइल बनाता हूँ डाटा डॉट जे एस, और इस फाइल में ये मैं कॉपी कर लेता हूं। अच्छा फर्ज करें मेरे पास कुछ डाटा पड़ा है, पहले इस डाटा को देखिए क्या चीज है। अभी डेटाबेस हमने कुछ बताया नहीं, हम समझ सकते हैं, हम समझते हैं किसी को माय डेटाबेस, और यहाँ पे पहली होती है आईडी, क्योंकि पता है आप जो भी चीज डेटाबेस से करते हैं उसमें यूनिक प्राइमरी की होती है, और जो होता है MongoDB उसमें हर चीज ऑब्जेक्ट में सेव होती है, उसमें प्राइमरी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें बोलते हैं आईडी। तो यहाँ पे मैंने आईडी खुद बना दी, आईडी आपको हम मोबाइल की शॉप बना रहे हैं, कौन सा मोबाइल है उसका नाम, उसकी प्राइस है, उसकी इमेज का यूआर है, फिलहाल ये तीन चीजें, ये हमारे पास डाटा है। अच्छा अब ये जो डाटा है डाटा डॉट जी एस की फाइल में पड़ा है। अच्छा यहाँ पे मैंने ये भी किया हुआ, ये क्या कर रहा है? मतलब ये जो चीज है इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा मैं इधर आऊंगा अपने मेन फाइल पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जी इम्पोर्टिंग डाटा, मैं बनाता हूँ डाटा। इम्पोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिक्वायर्ड, क्योंकि मैं फिर का कोड इधर वो कहता हूँ रिक्वायर्ड डाटा, बस डॉट जी एस लिखने की जरूरत नहीं होती। और अगर मैं इसको देखूँ डाटा के अंदर क्या पड़ा है, मुझे कंसोल डॉट लॉग करके देखना पड़ेगा, ये भी देख लेते हैं। मैं आता हूँ अपने होम पेज पे, लोग डाटा लिखता हूं, क्या कह रहा है जी? अच्छा डाटा उसको मिल ही रहा, देख देख रिक्वायर्ड डाटा, डाटा डॉट जे एस कॉमन्स डाटा रिक्वायर्ड।
क्या है बच्चे वाली गलती। मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई फाइल हमारे फोल्डर के अंदर ही पड़ी हो तो उससे पहले क्या लिखना होता है, डॉट स्लैश। तो जो सर्वर है हमारी बात नहीं मानता, सर्वर कहता है डॉट स्लैश लिख के मुझे बताओ कि हाँ जी आपके करंट फोल्डर में फाइल को देखना है, तो डॉट स्लैश तब ये ठीक है, साथ जेएस लाने की जरूरत नहीं। और हमने एक्सप्रेस से पहले डॉट स्लैश में लिखा क्योंकि दिस इज द पैकेज ऑफ npm। एक्सप्रेस कहता है कि बस तुम इसका नाम ही दे दो, लेकिन अगर तुमने अपनी क्या होता है, तो मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, तो वह रन कर रहा है। इसको यूं किया तो देखें मैंने ये प्रिंट हो गया, इसका मतलब मैं इसको अब कैप्चर करने में कामयाब हो गया। अच्छा नहीं अभी आज 6:30 तक जाएगा क्योंकि जो हमारा टॉपिक है ना, अच्छा क्योंकि हमने अपना EGS का इस्तेमाल देखें वो बहुत है, EGS हम सिर्फ HTML की फाइल्स को तो यूज कर सकते थे, लेकिन जब EGS का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको देखो। अच्छा अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरा है ना प्रोडक्ट्स का पेज, इसको ओपन करके देखते हैं, लेकिन इससे पहले एक कोना बना लें बूटस्ट्रैप का बार, नेविगेशन बार, ताकि हम डिफरेंट पेजेस पे जा सके, वो बना लेते हैं। कंपोनेंट नेव बार, क्योंकि अभी जब मैंने डिफरेंट पेजेस में जाना तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लिखना पड़ता है, लेकिन आप लिखे तो आप तो क्लिक करते हैं, तो मैं आपके लिंक बना लूं ताकि मैं क्लिक करके डिफरेंट रूट्स पे जा सकूं। अच्छा जी ये नया बार है ना, समझा नहीं मैं आपकी बात। नहीं हाँ सर्वर का नहीं होगा, जब इंस्पेक्ट पे जाते हैं सर्वर का कोड नहीं शो होता, फ्रंट एंड का होता है। अच्छा मैं यहाँ पे आता हूँ जी होम पेज पे, होम पेज पे आया जी, ये नेविगेशन बार लगाया, अब नेविगेशन बार में देख लेते हैं, इसको कर देता हूँ मैं डार्क, तो भी कर देता हूँ डार्क, और इधर आता हूँ ये नेविगेशन बार आ गया, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं लाइक इसके अलावा मुझे कोई और नेविगेशन बार लेना चाहिए था, ठहरे मैं इसको काटा करता हूँ। इसके अंदर वो जो है ना UL और LI वो है ही नहीं सीधे से, पहले वाले ले लेते हैं काफी बड़ा, इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। चले अच्छा जी ये मेरा ब्रांड है, बटन को पकड़ा इसको कटा किया, इसको कटा किया, ड्रॉप डाउन को पकड़ा,
चले आई थिंक काबिल कबूल है। चले अच्छा, पहले मैंने काम करना है, ये बहुत ज्यादा एच पे आ रहा है, मुझे वेब आर्टिकल जो चाहिए नहीं थी वो मैंने साथ में ऐड करी थी, मुझे ब्रांड नेम चाहिए था और एक चाहिए था लिंक, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा ना इधर आ जाए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये लिखा हुआ जी कंटेनर फ्लूइड, मैंने आपको बताया कंटेनर दो किस्म का होता है, कंटेनर सादा एक फ्लूइड, कंटेनर ज्यादा कम चौड़ा होता है, फ्लूइड ज्यादा चौड़ा होता है, मैं इसको अगर करूंगा सेव करूंगा तो ये देखें जी ये दरमियान में आ गया, और जो दूसरा है कि जो मेरी H1 है इसको भी मैं कंटेनर के अंदर बंद कर देता हूं, चलिए ठीक हो गया। अच्छा अब मेरे कितने पेजेस हैं भला? तीन है ना, दो तीन, पहले पेज का नाम है होम, दूसरे का क्या नाम है? All products. All products. तीसरे का कॉन्टैक्ट, चले अच्छा अभी मैं इन पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, मैं चाहता हूं कि जब मैं all products पे क्लिक करूं जो मैंने products का पेज बनाया था वो ओपन हो, जब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूं जो मैंने कॉन्टैक्ट का पेज बनाया था वो ओपन हो, तो मैं आपको दिखाया था routes, मुझे क्या करना चाहिए आप मुझे बताइए। ये मैंने लिखे हुए routes, ये है home route, ये products का और ये contact का, मुझे उधर क्या करना पड़ेगा कि ये देखें मैंने address का enter करना है HREF के अंदर, तो home के लिए मैं क्या enter करूंगा जी? tag क्या या मुझे क्या enter करना पड़ेगा होम पेज पे जाने के लिए? स्लैश। अच्छा जब मैं जाना चाहता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स के पेज पे तो उसके लिए मैंने कौन सा लिखा राउट? ये वाला। मैं जब मैं इस एड्रेस पे जाऊंगा तो प्रोडक्ट्स वाला पेज एंटर करके, तो ये एड्रेस है स्लैश प्रोडक्ट्स है, मैं लिखूंगा जी इधर स्लैश प्रोडक्ट्स और इधर क्या लिखूंगा कॉन्टेक्ट स्लैश कॉन्टैक्ट। चलो अब इसको चला के देख लो, कॉन्टैक्ट है नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, चले इसको रिफ्रेश किया, अभी आप प्रोडक्ट पे आए तो ये शो द प्रोडक्ट हियर, इसके अलावा कॉन्टैक्ट पे आए तो कॉन्टैक्ट पेज, ठीक हो गया। आपको नेविगेशन भी करना आ गया, जो हमने लिखे थे routes वो बेसिकली ए टैग के अंदर वो ड्रेस होते हैं जिसको वो वहां जाके मैच करता है। अच्छा अब ये असल में EGS पढ़ा दूं थे वो जरूरी है, देख ले अगर आगे पढ़ना चाहते हो बता दें, 10 मिनट का टॉपिक है पढ़ना, चले सही है ये ओके, फिर आप लोग इसे आगे देखिए भी ना फिर से आगे क्या हो गया। अच्छा ठीक है, जो चीजें की है काइंडली गजा के प्रैक्टिस की, एक दफा कर ली आपको कभी नहीं भूलेंगे, आपको आपके लिए वेब ऐप बनाना एक मतलब आराम से सीन हो जाएगा, मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह।